पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर जिला यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हुए कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत पाठक ने बताया। जो कोविड का इंजेक्शन लगवाया है उसका जो मिल सकता है अभिजीत पाठक, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस गोरखपुर। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि के अवसर को शहादत दिवस के रूप में मनाते हुए हम सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिस तरह लगातार भारतीय युवा कांग्रेस इस कोरोना महामारी के दौर में लगातार लोगों के जनहित के मुद्दों पर लोगों की सहायता कर रही है, हमारे कुछ साथी जो वरिष्ठ साथी हैं यहाँ पर भोजन आदि की सुविधा मुहैया करा रहे हैं, महानगर युवा कांग्रेस द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, कुछ हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उनके द्वारा लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। उसी के क्रम में आज जो ब्लड बैंक में, जिला रक्त कोष में ब्लड की कमी को देखते हुए युवा कांग्रेस के साथियों ने, गोरखपुर युवा कांग्रेस के साथियों ने ये निर्णय लिया है कि जो मौजूदा दौर है उसमें मानवता को देखते हुए हम सभी ने रक्तदान करने का निर्णय लिया था और रक्तदान कर रहे हैं।